बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं चना चाट बनाने जा रही हूँ। ये मैंने 2 कैन लिए हैं चने के, आलू हैं बॉईल करके रखे हुए, 2 टमाटर हैं, प्याज है और 2 हरी मिर्च हैं, 1 लेमन जूस है, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और 1 प्याली इमली की। अब इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू शामिल करते हैं, प्याज, टमाटर, लेमन जूस, गरम मसाला, नमक। नमक मैंने आलू जब बॉईल किए थे उनमें भी डाला था। इमली थोड़ी सी बचा लेती हूँ, देखती हूँ ज़्यादा ना हो जाए। अब अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये हरा धनिया मैंने रखा हुआ है, पहले मैं मिक्स करके थोड़ा सा नवासी के लिए निकाल लूँगी क्योंकि वो हरा धनिया नहीं खाती। हरे धनिया की वैसे खुशबू भी अच्छी होती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, साथ में समोसे भी फ्राई करेंगे। बाकी की इमली भी शामिल कर लेते हैं। रमजान में समोसे, पकोड़े, चाट, फ्रूट चाट, चटपटी चीजें ज्यादा खाई भी जाती हैं और बनती भी ज्यादा है, अच्छी भी लगती हैं। अच्छी तरह मिक्स हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया इसमें शामिल करते हैं। माशाल्लाह, हरे धनिया की अपनी खुशबू है। माशाल्लाह, चना चाट तैयार है। अब मैं दूसरे बोल में इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह जी, फाइनल लुक। यह है बगैर धनिया के